बैतूल जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र आमला के ग्राम सुरनादेही के ग्रामीणों ने आज आमला रेंजर को ज्ञापन सौंपकर चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 20 वर्षों से आदिवासियों को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्राम में सबसे ज्यादा संख्या आदिवासियों की ही है। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जिला कलेक्टर से भी की है। IBN 24 न्यूज के दिलीप पाल की रिपोर्ट। सर, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर के आए हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ चुनाव हुआ, बट उसके बारे में हमको पहले से इतला भी नहीं की गई। आज 9 बजे दिन को एक मतलब पब्लिक घूम के और हमको बताया गया, 9 बजे को खबर हुई कि आज चुनाव होने वाला है। और जब चुनाव होने वाला है तो उसके बारे में ये भी नहीं पता था कि भाई सीट किस बात की डिक्लेयर हुई है, क्या हुआ है, उसकी कोई सूचना हमको नहीं दी गई। जब हम वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई चौक पर बैठे चुनाव करने के लिए, तो वहाँ पर जब हम गए तो हमारे साथियों ने पूछा कि भाई हमारी जनसंख्या अधिक है आदिवासियों की, विगत 20 सालों से सीट OBC की ही आ रही है। तो इन्होंने केवल इतना पूछा कि भाई हमारा मतलब बोले कि हमारी सीट क्यों नहीं आ रही, तो वहाँ की पब्लिक जो है वो मारने के लिए खड़ी हो गई, इनसे झगड़ा करने लग गई। वो तो अच्छा हुआ, भला हुआ कि वहाँ डिप्टी साहब और हमारे मुकलगाय साहब ये थे, तो इनने बीच बचाव किया, तो झगड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद में वहाँ चुनाव हुआ या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता सर, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए और वहाँ बाहर से वो लड़के लोग लेकर के भी आए थे 8-10 मारने के लिए। यहाँ काहे के लिए आए सर? हम यहाँ इसलिए आए कि चुनाव हमको रद्द करवाना है और वहाँ पे सीट हमको चेंज चाहिए। आदिवासियों की संख्या चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा है तो हमको चाहिए।